बच्चा चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला में इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए पहला में दिया हुआ है 32, 12, 66 और 53। 53 को हम लोग इसको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ संख्या हमारे पास कितना है। देखिए इकाई दहाई यहाँ पे भी दहाई तक का संख्या है, इकाई दहाई यहाँ भी दो संख्या है, इकाई दहाई यहाँ भी दो संख्या है और इकाई दहाई यहाँ भी दो संख्या है। तो देखिए हम लोग दहाई के अंक में देखेंगे यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 1 है और यहाँ कितना है, 6 है और यहाँ कितना है, 5 है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। पहला में देखिए हम लोग का दहाई के संख्या में सबसे छोटा अंक वाला कौन मिला, एक एक, तो हम लोग एक वाला अंक को लिखेंगे 12। उसके बाद यहाँ देखिए तीनों जो बच गया उसमें से छोटा अंक वाला कौन है, 3, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 32। उसके बाद देखिए ये दोनों में से छोटा अंक वाला कौन है, 5, तो हम लोग इसको लिख देंगे 53। हम लोग का ये हो गया, अब बच गया कौन, 66, तो हम लोग इसको लिख देंगे 66 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तो दहाई का अंक था, अब यहाँ देखिए सैकड़ा का अंक है, मतलब 3 ठो है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए यहाँ सब जगह सैकड़ा का है, तो सैकड़ा का स्थान में देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। तो यहाँ में से सबसे छोटा कौन है, देखिए यहाँ में से सबसे छोटा 4 वाला है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 425। उसके बाद देखिए 9, 8 और 6 में से कौन है छोटा, 6, तो 667। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद हम लोग के पास ये दोनों बचा, ये दोनों में से कौन छोटा है, 874, 874 हो गया। तब हम लोग के पास कौन बचा, ये, तो हम लोग इसको लिख देंगे 938, तो हम लोग का आंसर हो गया दूसरा का। चलिए तो अब इसी प्रकार हम लोग चौथा का बनाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। देखिए यहाँ हजार का संख्या है, वहाँ सैकड़ा का संख्या था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। चलिए हम लोग देखेंगे कि हजार के स्थान पर यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो देखिए ये बहुत बड़ा है, इसको साइड कर देंगे। अब यहाँ सैकड़ा के जगह हम देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो सैकड़ा के जगह में सबसे छोटा संख्या कौन है, तो हम लोग तीसरा में देखिए ये हम लोग का सैकड़ा के जगह में सबसे छोटा निकला, तो हम लोग उसको लिख देंगे 2050। उसके बाद ये दोनों में देखेंगे कि सैकड़ा के जगह में छोटा संख्या क्यों है, कौन है, कहे कि यहाँ देखिए दोनों हजार के जगह में बराबर है, इसीलिए सैकड़ा के जगह में देख रहे हैं, तो सैकड़ा के जगह में छोटा संख्या 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 2300। तब अगर इसको हम लोग लिख लिए, उसके बाद देखिए ये दोनों में से छोटा कौन है, 2000 वाला, तो हम लोग इसको लिख देंगे 2400, 2400 हम लोग लिख लिए। उसके बाद देखिए ये बच गया हम लोग का, तो हम लोग इसको लास्ट में लिख देंगे 4558। अब चलिए चौथा नंबर में देखते हैं। चौथा नंबर में देखिए यहाँ एक अंक और बढ़ गया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, यहाँ भी 10000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, तो हम लोग 10000 के संख्या हम पहले देखेंगे। तो देखिए यहाँ एक है 10000 की संख्या में, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, तो देखिए यहाँ सबसे छोटा कौन है, एक वाला, तो एक 19000
205 हम लोग इसको लिख लिए। अब देखिए ये तो तीनों बच गया, यहाँ में से देखिए 10,000 के संख्या में सबसे छोटा कौन है, दो, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2000 नहीं 22,951। ये भी हो गया हम लोग का। अब हम लोग का ये दोनों बच गया, देखिए यहाँ दोनों सेम है 10,000 के संख्या में, तो हम लोग हज़ार के संख्या में देखेंगे। यहाँ देखिए हज़ार के संख्या में 7 है और यहाँ हज़ार के संख्या में 3 है, तो हम लोग का छोटा कौन है, या कौन हुआ, देखिए ये 63,344, तो हम लोग इसको लिख देंगे 63,344, है ना। उसके बाद देखिए हम लोग का ये बच गया 67,089। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर बन गया। तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।